सुने हुजूर क्या फरमाते हैं। नबी पाक साहिब ललाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल देखिए, फरमाया रब उस वक्त बड़ा ही मुस्कुराएगा जब कातिल भी जन्नत में जाएगा, मकतूल भी जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह मकतूल तो गया, ये कातिल कैसे चला गया? हुजूर फरमाते हैं जाएगा, और जाएगा और रब मुस्कुराएगा जो उसकी शान के लायक है। या रसूल अल्लाह किस तरह? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इसने एक मोमिन को कत्ल किया था, वो शहीद होकर जन्नत में चला गया। अब अल्लाह ने बाद में इसे तौबा की तौफीक दे दी, पहले इसने कलमा पढ़ा, फिर ये मैदान में उतरा, काफिरों से लड़ा, ये शहीद हुआ, रब ने इसे भी जन्नत दे दी। कातिल भी जन्नत में, मकतूल भी जन्नत में, और बात इतनी अनोखी है कि रब देख के मुस्कुरा रहा है जो उसकी शान के लायक है। हम जल्दी में हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे कि शायद तौबा कर जाए, हम इंतजार नहीं कर रहे, लेकिन मेरे अजीज इतनी जल्दी ना करें। सोचों का साफ होना, जहनों का पाक होना, और लोगों के बारे में गुमान का अच्छा होना, मैं कहता हूं कि हम अपनी गलतियों समेत अपने आप से बड़ा प्यार करते हैं, और दूसरे की एक गलती नजर आ जाए तो हमें घेरने लग जाती है। आप जल्दी ना करें, मालिक ने मौका दिया है बंदों को, ना वो किसी का रिस्क छीन रहा है, ना सांसें छीन रहा है, वो अपनी जमीन पे चलने भी दे रहा है, रहने भी दे रहा है, तो जब उसने मौका दिया है आप भी थोड़ा मौका दें। अल्लाह बड़ा करीम है, दरवाजे खोलेगा, उसके बंदे उसकी बारगाह तक पहुंचेंगे।